हेलो एवरीवन, दिस इज यस मनीषा शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रोफेशनल नॉलेज। हम आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हमें DIR3 KYC जो फॉर्म है वो अभी V3 पोर्टल पे माइग्रेट हो गया है, तो कैसे DIR3 KYC को फिलअप करना है। एंड जो DIR3 KYC है उसका आपका लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है, तो अभी वो V2 पोर्टल से V3 पोर्टल पे माइग्रेट हो गया फॉर्म, तो हम कैसे उसको V3 पोर्टल पे सबमिट करेंगे वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग से आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ से एक बार लॉग आउट कर देती हूँ। कंपनी के जो फॉर्म्स है ना, LLP के जो भी फॉर्म्स है वो पहले ही V3 पोर्टल पे माइग्रेट हो चुके थे, और कंपनी के अभी जो चार्ज रिलेटेड फॉर्म है जो कि CAG 1, CAG 4, CAG 6 एंड CAG 8 एंड CAG 9, और KYC रिलेटेड फॉर्म्स है एंड जो DPT के जो फॉर्म्स है, तो ये 9 फॉर्म्स जो है वो अभी V2 से V3 पे शिफ्ट हो गए हैं। आपको V3 पे ही इनको जो है वो फाइल एंड अपलोड करना होगा, तो अभी ये V3 की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इन 9 फॉर्म्स में से अगर कोई भी फॉर्म सबमिट करना है तो आप V3 पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये विंडो है, तो आपको अगर V2 पे अगर जाना है तो लॉग इन फॉर V2 फाइलिंग आप करोगे तो आपका ये कंपनी V2 पोर्टल पे आपको ले जाएगा। एंड माई एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वापस ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको V2 पे जाना है या V3 पोर्टल पे जाना है। धीरे धीरे करके जो है MCA जो है सारे फॉर्म्स को जो है V3 पोर्टल पे लेके आ रहा है, तो अब हमें V3 पोर्टल पे KYC को अपलोड करना देखना है, तो हम लॉग इन फॉर V3 फाइलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपका जो है वो कंपनी और LLP फाइलिंग दोनों के लिए ही सेम है। आप जैसे यहाँ पे लॉग इन ID पासवर्ड आपको डालोगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक बेनिफिट है V3 पोर्टल का कि आपको यहाँ पे स्टेटस पता चल जाएगा अपना फॉर्म का। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट, मतलब ये फॉर्म जो है आपका DSC अपलोड एंड पेमेंट के लिए पेंडिंग है। उसमें हमें क्या करना पड़ता था, V2 पोर्टल पे हमें पहले फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसको फिलअप करके एंड उसमें DSC लगा के फिर उसको अपलोड फॉर्म में जाके MCA पे उसको अपलोड करना होता था। लेकिन V3 पोर्टल में क्या सिस्टम है कि ये आपका प्योरली ऑनलाइन है, आपको पूरा ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, वहीं पे DSC लगाना है, वहीं से आपको V3 पोर्टल पे ही सबमिट करना है, आपको कोई भी फॉर्म अलग से डाउनलोड नहीं होगा आपका कोई फॉर्म। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे MCA सर्विस पे जाना है, कंपनी ई फाइलिंग में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिपोजिट रिलेटेड फाइलिंग आपका फॉर्म आ गया है, चार्ज रिलेटेड फॉर्म्स भी आ गए हैं, डिन रिलेटेड फाइलिंग भी आ गई। तो आपको DIR3 KYC, अगर आप फर्स्ट टाइम DIR3 KYC कर रहे हो तो आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा विथ आपका सारा क्रीडेंशियल्स एंड आपके जो एड्रेस प्रूफ है, ID प्रूफ है, सारा डाल के फिर आपको करना होगा, ईमेल ID, फोन नंबर्स वगैरह सारा आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सिमिलरली अगर आपका आपने पहले फॉर्म फाइल कर रखा है ना, आप सब्सिक्वेंट ईयर में अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ओनली OTP बेस्ड होगा, OTP डाल के आप DIR3 KYC कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ डायरेक्टर का डिन डालना है एंड सारा डिटेल डाल के आपको नेक्स्ट करोगे, तो आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का आपको डिजिटल सिग्नेचर लगा के फॉर्म को अपलोड करना होगा। 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है, एंड 30 सितंबर से पहले पहले आपको, अगर आपका KYC फर्स्ट टाइम है कर रहे हो तो ये फॉर्म आपको फिलअप करके 30 सितंबर से पहले पहले आपको DIR3 KYC फॉर्म जो है ये फिलअप करना है। अदरवाइज आपका जो पेनल्टी है वो 5,000 रुपीज का पेनल्टी आपको चार्ज हो जाएगा, और आपका फॉर्म जो कम जो आपका डिन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ KYC। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में फाइलिंग ये फॉर्म कर चुके हो, आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में अगर DIR3 KYC कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन पे आपको जाना है, डिन वेब बेस। ठीक है, और अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, लेकिन लाइक आपने फर्स्ट टाइम में फॉर्म फाइल कर दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपको कुछ चेंजेस करना है, लाइक एड्रेस चेंज करना है, ईमेल ID, फोन नंबर वगैरह चेंज करना है, तो आपको फॉर्म फिलअप वापस से फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर में करोगे सिंपली आपको यहाँ पे डिन डालना है, आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID ये हिंट दे देगा, आपको सेंड OTP पे जाना है एंड वेरीफाई OTP करके नेक्स्ट कर देना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको KYC जो है डायरेक्टर्स का KYC है 30 सितंबर से पहले पहले आपको कंप्लीट करना है, और जिससे आपका जो है पेनल्टी नहीं आएगा और डिन जो है डीएक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, होप यू लाइक इट। इस तरीके से हम V3 की जितनी भी V3 पोर्टल पे जो भी सर्विसेज है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, एंड जैसे जैसे ये सर्विसेज अवेलेबल होगी मैं आपको अपडेट करूंगी। थैंक यू, होप यू लाइक इट।